तो अभी बजने वाले हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। तो आज बाहर का व्यू देखते हैं। अभी भी 6 बजे ऐसा सा दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे। तो अभी जब मैं 6 बजे उठ गई थी, अभी टाइम हो गया है 6:20 और मैं देखा कि एकदम सनलाइट आज आ गई है 6:20 पे। आई थिंक 6 बजे तो नहीं था, मैंने देखा था बाहर। और अभी जो है मैंने नहा लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ काम करने के लिए अपने दिन में। मतलब मेरी तरफ से मैं फ्री हो गई हूँ नहा के। अभी बच्चों को मुझे उठाना है 6:30 बजे से पहले पहले। का दिन जो है ना बड़ा ही बिजी था मेरे लिए, बहुत हेक्टिक था, सारा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया था। तो आज मुझे बैक टू रूटीन लेके आना था बच्चों को, और इसीलिए मैंने उनको टाइम पर सुला दिया था। और हम भी सो गए थे साथ ही में कि जो दिन के काम है वो मैं सुबह कर लूँगी उठ के। और मनोज की अभी जो है ना आज ऑफ है, तो हम लोग आराम से अपना काम कर लेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। तो लेट्स सी क्या होता है आज के दिन में। बट आज का दिन भी बिजी रहने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एकदम हैप्पी हैप्पी। और अभी मैं सबसे पहले तो है ना जो है किचन मुझे साफ़ करनी है, जो कि मैं रात को करके नहीं सोई थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ किचन से गैस वैस स्टार्ट करना और ब्रेकफास्ट बनाना। उधर मैं ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी सी डिशेज ये, और मुझे ना मोस्टली गैस साफ़ करनी है। मैं सोच रही हूँ या फिर मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट बना के ही साफ़ कर लूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, कन्फ्यूज़न। क्योंकि अभी अगर मैंने बच्चों को नहीं उठाया तो फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो मुझे गैस क्लीन करनी है, मुझे था कल ही। खाना बनाने के बाद रोज़ ही क्लीन करती हूँ, बट कल मैंने क्लीन नहीं किया था, थोड़ा ही गंदा है, इतना नहीं है। तो मुझे ये सब क्लीन करना है और घर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। ग्रोसरी शॉपिंग, मनोज का आज ऑफ है, तो ये सब काम मेरे पेंडिंग पड़े। चलो मैं सोच रही हूँ कि पहले अभी बच्चों को ही उठा लेती हूँ, उससे पहले कि 6:30 हो जाए। 6:25 है, 5 मिनट तो उनको उठने में लग ही जाएगा। ओ मेरा बच्चा मनु तो उठ गए हैं, और ये सोते हैं मनु का बच्चा आर्य। तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है लग रहा है। आर्य रोज तो उठ जाता है, आज कहाँ होगा भाई? गुड मॉर्निंग। शो मी शो मी शो मी योर फेस। गुड मॉर्निंग बड़ी। तो यहाँ पे मम्मा का और बेबी का कर्डल टाइम। तो फाइनली आर्या उठी उठी कर दिया, चलो आर्या को उठाएंगे, लेट्स गो लेट्स गो। टाडा, गुड गुड मॉर्निंग ब्रदर। तो अब ये दोनों का कर्डल टाइम। अरे बेटा उठो उठो, मेरा बच्चे ने भी उठी उठी कर दिया भाई। तो बच्चे भी अभी उठ गए हैं, अब चलते हैं क्या करने, ब्रेकफास्ट बनाने। आज दिन के बहुत सारे काम हैं, और आज मैंने लॉन्ड्री जो है रात को ही डाल दिया था। ये देखिए बेडशीट वगैरह सब निकाल के, और मुझे दोबारा डालने का और टाइम भी नहीं लगा। तो आज ये सब भी काम पेंडिंग है, ये सब भी काम ऐड हो गए हैं करने के लिए। अभी तो लॉन्ड्री ड्रायर में भी डालना है। तो बच्चे तो गए हैं उठ अभी, और मैं सोचा था बाद में ये क्लीन करूँगी, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा। मैंने सोचा फटाफट से थोड़ा अभी कर लेती हूँ, हल्का फुल्का सा, थोड़ा डीप क्लीन बाद में कर लेंगे। गैस चूल्हा एक बार क्लीन हो ना तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता है, वरना तो गंदा गंदा ही लगता रहता है। बाद में दिन में जो है ये सब चीज़ें मैं डिशवाशर में डाल दूँ। आज जो है ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड एंड ऑमलेट। यूजली ऑमलेट मैं एग वाइट का ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंट हूँ तो मुझे बहुत स्मेल आती। प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी मुझे एग वाइट एग योक बनाने में बहुत स्मेल आती थी। और यहाँ पे एग योक के साथ में जो है ना मैं शुगर डाल लिया है, इसको भी बीट कर लूँगी। ये जो है मैं बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट आर्या के लिए, और आरव जो है हैश ब्राउन खाएगा, तो थोड़ा फ्रेंच टोस्ट भी खा लेगा खाना हुआ तो दोनों वो लोग मिक्स करके खा लेंगे। उनके लिए ये सब बन रहा है। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्का सा। और अब अंडे में तो नहीं कर सकती लाइन ऑमलेट में, लेकिन मीठा जब बनाते ना उसमें सिनेमन पाउडर ऐड करें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें ना, और अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये चाय बॉईल हो गई है, इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। आर्य के लिए बनाएंगे हम फ्रेंच टोस्ट। यू आर हंग्री? आई नो एवरीबॉडी इज हंग्री। आज सब भूखे हैं जी, जल्दी सोए थे। एंड चाय हो गई है रेडी। चाय रेडी, फ्रेंच टोस्ट रेडी, हैश ब्राउन रेडी, ऑमलेट भी है रेडी। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। यहाँ पे मैंने बनाया ऑमलेट, ब्रेड,
हैश ब्राउन एंड पेंटो सब रेडी। हाँ जी लो लो, तो पूजा कर रहे हैं आज पति देव, है ना जी? है छुट्टी है आज, आज छुट्टी है आज, तो आज करेंगे पति देव पूजा, है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग, एक फोन देख रहा है, दूसरा वो इतना मजे से देख रहा है। 8 o'clock और हमारा ब्रेकफास्ट में सब डन हो गया, इंडिया और नेपाल में बातें हो गई, तो हम जा रहे हैं पार्क, बाइक राइडिंग पे। आरव करेगा बाइक राइड और वाटर पॉन्ड है वहाँ पे ना एक, तो वाटर पॉन्ड में ना फिशेज हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ खाना खिला देते हैं उनको, तो बच्चे ना उनको तो फिशेज को देख के बड़े खुश होते हैं। तो वही है, कल हम गए थे तो आज भी जो है आरव वही बोल रहा है कि मम्मी लेट्स गो फॉर फिशेज को खाना खिलाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। वही वही आरव अच्छा दिखता है, एकदम ग्रीनरी और शेड्स, तो मन को शांति मिलती है यहाँ पे आके, सुकून मिलता है। और फिशेस हैं तो हम लोग उनको खाना खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं देख के, तो मैंने सोचा आज यहाँ की क्लिप बना ही लेते हैं। You wanna feed the fish? Okay, I'll help you, okay? Arav, I think बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है आज, तो पता नहीं उसे, जैसे मम्मा आपने वीडियो नहीं बनाई कल फिशेस का, और आज वो चॉइस भी लेके आया, उसको कैसे कलर की फिश देखनी है, विच कलर फिश यू वांट? पर्पल रेड ऑरेंज। पर्पल रेड एंड ऑरेंज भाई, चलो आज फिशेस को बोलते हैं पर्पल रेड एंड ऑरेंज फिशेस प्लीज कम, आर आई वांट टू सी। ओह माय गॉड, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। ये ग्रीनरी अभी थोड़े दिन की रह गई है, अचानक से ना ठंडा तो होने लगा था 2-3 दिन पहले, आज तो थोड़ा सा सनी है, अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, मेरे को लग रहा था उस दिन जैकेट भी पहनना पड़ रहा था, विंडशील्ड वाला जैकेट थोड़ा सा, तो लग रहा था फाइनली मतलब कि गर्मी जा ही चुकी है ऐसा लग रहा था, पर आज थोड़ा सा ठीक है। आज हमारे पास राइस क्रिप्स थे तो वो लेके आए हैं हम, और फिशेस ऑलरेडी आ भी चुकी थी, मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, तो अब तो आने ही लग जाएंगी बेटा। ओ बड़ा फिश आ गया, आ रहा वहाँ पे हमारा घर है पेड़ के इस तरफ, आई मीन रोड के उस तरफ, और ये अभी भी जाने के लिए रेडी नहीं है, अब यहाँ वह आके रुक गया है, और 1 घंटा हमें वॉक करते हो गया ऑलरेडी। अब मेरे को तो टायर्डनेस लगने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ लोगों को छोड़ के चली जाऊँ, मैं जाऊँ घर। आरव कैन आई गो होम, यू कैन स्टे विद डैडी, यस और नो? नो। अभी बज गए हैं 9:15 और हम घर आ गए हैं, क्या करना बेटा, क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम। ओके ठीक है, सो आरव वॉन्ट टू शो यू गाइज आइसक्रीम, वो बोल रहा है ना मेरे को शो करना है आइसक्रीम, तो देख लिया सबने देख लिया, तो आरव को आइसक्रीम खानी है, थोड़ी आइसक्रीम दे दे, क्लोज द फ्रिज बेटा, आइसक्रीम भी क्लोज करके रखते हैं, है ना, आपने ओपन छोड़ा हुआ है ना, तो आइसक्रीम दे देती हूँ मैं इसको थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ना थोड़ा स्नैक्स भी दे दिया है फ्रूट काट के, और ये तो अपना सुबह इसने ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया था, तो अपना हैश ब्राउन ही खा रहा है, और ये लोग थोड़ी देर स्क्रीन टाइमिंग टीवी देख रहे हैं। तो ना आज मनोज का ऑफ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी वो भी करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को संभालना एंड ऑल, काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है आपके साथ में कोई रहे तो अभी जो है मैं डिशेस साफ़ कर लेती हूँ, और वाटरमेलन का थोड़ा जूस बनवा लूँगी या कट करा लूँगी, ताकि हमारा भी स्नैक्स का टाइम होने वाला है, जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक्स, थोड़ी भूख तो लगी जाती है, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, तो कुछ जंकी सा खाने की बजाय हम लोग फ्रूट्स खा लेंगे, और उसके बाद मैं लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ, और लॉन्ड्री जो है मनोज कर रहे हैं, तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं आज के दिन। तो अभी बज गए हैं 10:45 और जो है लंच बनाने का टाइम हो गया है मेरा, यहाँ पे जो है फ्रूट्स हो गए हैं रेडी, मनु ने काट दिए थे, तो ये खा लेती हूँ मैं पहले, और मनोज भी थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि मैं थक जाती हूँ खड़े होके ना, यानी कि बर्तन धोना डिशेस करना ना, ऐसे थोड़ा बैक जो है ना बैंड होती है, तो उससे बैक में पेन होने लगता है, तो 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट लेती हूँ खा के, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ लंच बनाना। अभी बजे हैं 11:15 और मेरी रोटियां भी तैयार हो गई हैं बनके, ये मेरी लास्ट रोटी है,
और सब्जी भी रेडी हो गई है। आज थोड़ा सा जो काम है ना फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो ये देखिए लास्ट में रोटी बन गई है और सब्जी भी रेडी है एकदम। आज काम और एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, जिस दिन मनोज होते हैं ना मेरे सारे वीक के पेंडिंग काम में उस दिन फिनिश करने की सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम और होते हैं घर में, जैसे कि लॉन्ड्री फोल्ड करना, बाथरूम क्लीनिंग करना, रूम डीप क्लीन करना, और कहीं ना कहीं की क्लीनिंग चलती रहती है, और बाहर शॉपिंग करना मेन वो रहता है। आज घास काटना, मनोज जो है अभी गार्डन में घास काट रहे हैं। 12 बजे के पहले के जो काम हैं वो मेरे आज 11:15 बजे ही फिनिश हो गए, तो अभी मेरा क्लीनिंग बाकी है, झाड़ू पोछा एंड ऑल। और यहाँ पर जो है मनोज ने घास भी काट दिया है थोड़ा सा, बस ये एजेस वगैरह जो बनाना है वो कर रहे हैं, और उसको आई थिंक के बाद जो है ये सब एयर ब्लो भी करेंगे वो। तो बस ये है अभी तक को, अब इसके बाद चलेंगे इवनिंग के काम सारे। तो किचन में मेरा थोड़ा सा अभी रह ही रहा था, और वो जो है मुझे पूरा करना ही है, तो मुझे अब इसको गोदी लेके करना पड़ेगा। थोड़ा सा बाकी है, ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। तो अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 1। मनोज को कुछ काम था, बाहर गए थे, तो वो भी आए हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। तब तक बच्चों के साथ थोड़ी देर प्ले किया है मैंने, और खाना रेडी कर दिया है टेबल पे। मैंने आलू का रायता बनाया है और जुकनी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी रखी थी, थोड़ा मनोज बिरयानी लेके आए थे वो हैं, रोटियाँ हैं और सैलड है, तो सारा खाना रेडी है। अभी हम करते हैं लंच और उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अभी बजे हैं 1:30 और आराम सो रहा है, और आज ये बेबी बन गया है, कहता है आर्य बोतल में दूध पी रहा है, मैं भी इसमें पीऊँगा, तो ये इसमें पी रहा है ना आरव यार बेबी। तो अभी जो है मैं, हमने खाना खा लिया है, मैंने भी सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ 4:30 बजे पी रहे हम चाय, चाय मैंने बना लिया है, सब उठ गए हैं और इनका स्नैक्स टाइम। हाँ जी ये भी खा रहा है, और पकौड़े जो है मैंने नहीं बनाए हैं, बस मेरे पास हैं ये बस हैं मेरे पास। सो अभी जो है ना मैं आरव को होमवर्क करवा रही हूँ, राइट आरव, आरव कैन शो यू गाइस, वो कह रहा है कि मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे करता, मैं खुद करता हूँ। 1, 2, यस 3, फास्टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी हम जा रहे हैं कास को, और आज मैं बैठी हूँ फ्रंट सीट पे, पता नहीं कितने सालों बाद, मानो मुझे खुद भी याद नहीं है, याद ही नहीं है मुझे मैं कब बैठी थी फ्रंट सीट पे। बच्चों को जो है ना पीछे सेट कर दिया है ऐसे, तो आराम से दोनों बैठे हुए हैं, और मैं आज मजे से आ गए पहुँच गए हम लोग कास को। आई यू वांट टच मी, हम आए हैं यहाँ पे डोमिनोज, और आरो को खाना है पिज्जा। हमारे काम कास्को से तो हम लोग आ गए हैं, अभी जाना है स्केचर एंड देन फिर टारगेट। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आरव को भूख लगी है, कई दिन से वो पिज़्ज़ा बोल रहा है, तो कभी कभार एक आधी बार मैं ऑर्डर कर ही देती हूँ, नॉट इन अ वीक, बट आज ये बहुत ही जिद कर रहा है, तो ला दे खा लेगा पिज्ज़ा ही, तो मुझे भी डिनर में इतना कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। इनका तो सब्र ही नहीं हो रहा है, इनको यहीं पे खाना है दोनों को, दे देती हूँ इनको पिज़्ज़ा दिखाना मेरे को, मैं थोड़ी ना चीज पिज़्ज़ा मैं आ गई हूँ वापस, और अभी बजने वाले 8, हम लोग निकले थे आई थिंक 5:30 बजे निकले थे हम लोग, और अभी 8 बजे घर में घुसे हैं। तो डिनर की बात तो ये है कि मैं लेके आई पिज़्ज़ा, और काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाए हम कास्को से एंड टारगेट से, तो मैं सोची हूँ मैं उसको इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगी, इसमें मैं अपनी होल डे फुल डे प्रोडक्टिविटी का ही कर रही हूँ कि मैं शॉपिंग करने गई थी, उतना ही है, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं टारगेट से और कास्को से क्या क्या लेके आई हूँ, डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी इसी के बाद। बट अभी जो है घर के काम कर लेती हूँ, डिनर मुझे पकाना है, और मुझे जो है थोड़ी सी डिशवाशिंग करनी है, डिशवाशिंग का मैं सोच रही हूँ मैं एक ही साथ करूँगी डिनर का, ये विद इन 1 आवर मुझे सारा काम करना है, और उसके बाद जो है तब तक मनोज को बोलूँगी कि बच्चों को थोड़ा सा शावर वावर करा दें। अभी जो मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, और खाने में जो है ना, वैसे तो हमने भी एक एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया था, इतनी भूख नहीं है अभी,
मैं सिर्फ राइस बना लूँगी और सुबह की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है तो रोटियाँ सेक लूँगी, रायता भी रखा है तो ऐसा ही करके कुछ खाना हो जाएगा डिनर का। तो चलिए करती हूँ शुरू फटाफट से अपने काम विद इन आवर, मुझे सब कुछ फिनिश करना है तो लेट्स सी हाउ इट विल हैपन। तो राइस जो मैंने आज प्रेशर कुकर में ही बना लिए हैं, डिशेस मैंने क्लीन कर दी हैं अभी, तो सिर्फ बॉटल बची हैं और बच्चों को ऑलरेडी मैंने बाथटब में डाल दिया है नहाने के लिए, तो बस बाथटब में पानी भर जाएगा तो मैं उनके पास जाऊंगी, बोतलें बस में निकाल देती हूँ एक बार फटाफट से। तो बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, पानी भर गया उनके लिए। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मनोज से मेरी हेल्प करेंगे हेल्प करेंगे, आज उन्होंने मेरी कुछ भी हेल्प नहीं करी है सुबह से, कुछ भी, अपने ही काम नहीं खत्म हो रहे हैं। मैं कितना बार बोला वीडियो में कि आज ये काम उनसे कराऊंगी, बात बच्चों को दिलाऊंगी, ये कराऊंगी, सिंगल मिनट मेरे लिए नहीं निकली गई है आज उनसे, अब मैंने सारा काम खुद ही किया है। तो बस आई थिंक यही था, आई थिंक 9 बजे तक सब कुछ फ्री हो ही जाऊंगी मैं अच्छे से सब कुछ। और ये है तो स्लीपी नहीं दिख रहा है लेकिन इसको जबरदस्ती स्लीप कराना पड़ेगा। वो खाना भी मेरा रेडी हो गया है और अभी 9 नहीं बजे हैं, तो बस अभी डिनर मेरा सुबह की सब्जी थी, कल मनोज ये कुछ लाए थे रेस्टोरेंट से, और राइस है, सैलड है, रोटी मैंने बना ली है, और आर्य को हम अपने साथ ही बिठा लेते हैं ताकि वो कुछ खाए या फेंके जो भी प्ले करे, लेकिन हम उसको अपने साथ हमेशा बिठाते हैं। बस अभी जो उसको मिल्क पिलाना है, इनको ब्रश कराना है और इनको, और ये मेरा बहुत स्लीपी है ना, 5 more minutes ओके फिर जाएंगे सोने के लिए भाई। और यहाँ पे आ रहा जो अपना पिंक मिल्क पीते हुए, इसके बाद ब्रश करा के इनको सुला देंगे। तो यही था आज की वीडियो में, 6 AM to 9 PM का मेरा होल डे रूटीन या फिर बिजी रूटीन या फिर जो भी आप कहें, तो फुल डे प्रोडक्टिविटी, बस बिजी रहते हैं बच्चों के साथ में और ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। तो चलिए रखती हूँ मैं आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही, आई थिंक बहुत कुछ हो गया है, और जो कि मैंने आज शॉपिंग किया है वो मैं आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी डेफिनेटली, मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी। और बच्चे ज़्यादा ही क्रैंकी हो रहे हैं, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको कुछ भी पसंद आया वीडियो में तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलो गाइस, देखो इसका दूध देख देख के रो रहा है, उसका भी दूध आ रहा है, ये मतलब बेबी रो रहा है, तो कह रहा है कि मुझे भी बाय बोलना है। यू वांट टू से बाय गुड नाइट आरा, बाय गुड नाइट।